साप्ते की मदद से जैन की जर्ब कीजिए। जैसा कि आपको पता है यहाँ पर पहली एग्जाम्पल आपको दी हुई है और उसमें x जमा y, x नफी y, तोसी के जाप्ते की मदद से। आपने इससे पहले पढ़ा है तोसी का जाप्ता a जमा b, a नफी b बराबर है a की कुवत दो नफी b की कुवत दो। यहाँ पर सवाल में आपको सवाल a जमा b a नफी b की सूरत में आपको दिया हुआ है, आपको जवाब पे a की कुवत दो नफी बी की कुवत दो इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए लिखते हैं x जमा y x नफी y, ये आपको a जमा b a नफी b की सूरत ऑलरेडी दी हुई है, तो हमें सिर्फ लिखना है a स्क्वायर, ये x a है और ये y यहाँ b है। तो चलिए a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर नफी b यहाँ पर है y का स्क्वायर यानी y की कुवत दो, ये है आपका जवाब। तो चलिए अब देखते हैं हम मिसाल नंबर दो जिसमें आपको दिया हुआ है तीन एक्स नफी पांच तीन एक्स जमा पांच। फिर से हम वही जवाब इस्तेमाल करेंगे a जमा b a नफी b बराबर है a की कुवत दो नफी b की कुवत दो। तो चलिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है a तीन एक्स और b पांच, तो जहां जहां आपको a दिख रहा है वहां भी पांच लिखेंगे। तीन एक्स की कुवत दो नफी b क्या है यहाँ पे b स्क्वायर यानी पांच की कुवत दो। तो चलिए यहाँ पर अभी देखते हैं तीन का मुरब्बा नौ x का मुरब्बा x स्क्वायर माइनस पांच का मुरब्बा पच्चीस, इस तरह से आपका जवाब है नौ एक्स स्क्वायर माइनस पच्चीस। तीसरी मिसाल में आपको दिया हुआ है a जमा छ a नफी छ, फिर से लिखिए फॉर्मूला a जमा b की सूरत में आपको सवाल दिया हुआ है a जमा b a नफी b, तो उसका जवाब आएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a की कुवत दो नफी b की कुवत दो, आपको इसके सूरत में आपको ये जवाब लिखना है। तो चलिए अब हम लिखते हैं a की कुवत दो, यहाँ पर a की जगह पर a है और b की जगह पर छ, तो चलिए लिखिए a की कुवत दो यानी a की कुवत दो, फॉर्मूले में नफी है माइनस है और छ यानी b, छ की b की कुवत दो यानी छ की कुवत दो। तो चलिए a की कुवत दो नफी छ का मुरब्बा छत्तीस, इस तरह से आपका जवाब आया है a जमा सिक्स a जमा छ a नफी छ का जवाब है a की कुवत दो नफी